अच्छी लगी है, ज़्यादा बहुत अच्छी भी नहीं कहेंगे, बहुत बुरी भी नहीं कह सकते हैं, मिड में, मतलब नॉर्मल है, अच्छी लगी है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, ग्राफिक्स काफी अच्छे थे, और तो रिकॉर्ड नहीं है, बहुत तगड़ा रिकॉर्ड तोड़े। खास बात यह है कि लोगों के ना गले बैठे हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि चिल्ला के इतना आए हैं कि लोगों के गले बैठ गए हैं। कैसी लगी फिल्म? अच्छी थी। फिल्म कैसी लगी? बहुत अच्छी है। सबसे ज्यादा बहुत अच्छी भी नहीं कहेंगे, बहुत बुरी भी नहीं कह सकते हैं, मिड में, मतलब नॉर्मल है, अच्छी लगी है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, ग्राफिक्स काफी अच्छे थे, और जिस तरीके से हिस्ट्री एकदम भाई, जब इनको नहीं, आपको भाई कोई आपत्ति हो? अरे क्या पत, कुछ है ही नहीं आपत्ति लायक, वो भी एकदम औसम है, सुपर डुपर हिट है, किसी की भावना आहत नहीं हुई है पिक्चर में, कुछ गलत नहीं है। अगर एक इंसान देशभक्ति में कोई चीज कर रहा है तो वो सब देश के लिए कर रहा है, ये नहीं कि उसने अपने लिए कुछ करा हो, पूरे देश के लिए उसने करा है। और जो ये मूवी देखेगा उसको खुद पता चल जाएगा। मुझे मूवी समझ नहीं आई है, पता नहीं क्यों, बट थोड़ा बोरिंग था मूवी में, थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा ही था। जिनको समझ आ रही है अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रही तो उनके लिए मूवी का जो टाइम है वो बहुत मुश्किल होने वाला है थिएटर में आकर काटना। मूवी ठीक ठाक थी, मतलब अगर टाइम पास करना है तो आप आ सकते हैं। मूवी ग्रैंड है, बहुत अच्छे विजुअल हैं, पर स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और स्टोरी समझ में नहीं आ रही है क्या मामला है, ये स्टोरी समझने में ही सारा सब चल जाता है। बहुत स्ट्रेच किया गया मूवी को, मतलब फर्स्ट हाफ में ही मतलब समझ आई मूवी, उसके बाद तो ये है कि भाई कहानी को खींच रहे हैं, बस जनता को दिखाए जा रहे हैं, बस ये दिखाया गया। मूवी बहुत बड़ी है लेकिन समझ भी आनी चाहिए ना, अब मुझे समझ नहीं आई है बड़ी है छोटी है पता नहीं। देखिए फिल्म का सेट अच्छा है, डायरेक्शन अच्छे हैं, जो शॉट्स लिए गए हैं बहुत अच्छे, एक्टिंग कमाल की, लेकिन फिल्म बांध करके नहीं रख पा रही है, तो सारी चीज़ें तो वहीं ख़राब हो गई है ना, कि ऑडियंस नहीं रुक रही है थिएटर के अंदर, तो मुझे फिल्म समझ नहीं आई। इस तरीके से हम जब ये मूवी रिलीज नहीं हुई थी तब टेरर अटैक ऑन इंडियन फोर्सेस, हमले में हमारे देश ने 40 से ज्यादा जवानों को खो दिया। बॉम्ब ब्लास्ट 26/11 जो कि साल 2024 की सबसे बड़ी मूवी मानी जा रही है। मूवी के लीड रोल में ऋतिक रोशन देखने को मिले, जो कि एक लंबे समय बाद में बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, और मूवी को अकेले वो अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़े।